हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडिक्टेड। दोस्तों, अगर आप एक एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ का एक सबसे मेमोरेबल पार्ट रहेगा वो जब आप अपनी एमबीबीएस जर्नी में आपका फर्स्ट स्टेथोस्कोप लेने जाओगे। अभी मैंने बाय किया है एक फर्स्ट स्टेथोस्कोप अपना, जो कि है लिटमैन का, और ये मेरे को पड़ा है 8,500 रुपये के करीब। ये क्लास थर्ड का जो है स्टेथोस्कोप मैंने बाय किया है अमेजोन से। आज मैं आप सभी को इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, क्या क्या पार्ट्स एक स्टेथोस्कोप के होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके होते हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये आप देख सकते हो स्टेथोस्कोप इस तरह की कुछ पैकिंग के साथ ही आता है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स दी होती है, एड्रेस वगैरह। जब आप इसको अनबॉक्स करोगे तो आपको सबसे पहले इसमें आएगी एक प्रीमियम फील, जिसमें आपके पास ये पहले वारंटी कार्ड होता है जिसको आपको एक्टिवेट करना होता है। यहाँ पे क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होता है। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि लिटमैन के जो अलग अलग टाइप के जो स्टेथोस्कोप है उनका वारंटी पीरियड दिया होता है। तो जिस तरह से एक लिटमैन क्लास थर्ड का ये हमारे पास स्टेथोस्कोप है, तो इसका वारंटी पीरियड है 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स की आपको इसकी वारंटी मिलती है। अगर आपके इसमें कोई डिफेक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको इसकी रिपेयर मिल जाती है। इस तरह का कुछ स्टेथोस्कोप आता है लिटमैन का। और इसमें आप एक चीज़ जो फील करोगे, जो आपका इसका हिस्सा आता है ये बेल और डायफ्राम वाला हिस्सा, ये बहुत ही हैवी होता है। और इसमें जो आपकी साउंड्स होती है अलग अलग बॉडीज से जो साउंड्स होती है वो बहुत क्लियरली सुनाई देती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी को ही प्रेफर करते हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इसी को ही प्रेफरेंस जो है वो देते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपको ये कब बाय करना चाहिए। अगर आप एक MBBS स्टूडेंट हो तो आपको सेकंड ईयर में आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि सेकंड ईयर से आपकी क्लिनिक शुरू हो जाती है। तो असल में आप ये मान सकते हो कि उसी टाइम से जो है आपके एक तरह से प्रैक्टिस शुरू हो गई, तो आप सेकंड ईयर से इसको बाय कर सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको बाय करते हैं अपने फाइनल ईयर्स में, और कुछ स्टूडेंट्स इसको इंटर्नशिप में भी बाय करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। तो जो ये इस तरह का स्टेथोस्कोप आता है, सबसे पहले आप इसमें देख सकते हो जो ये आपका यहाँ पे आता है ईयर पीस। ये ईयर पीस इसमें होता है जिसमें ये बर्ड्स यहाँ पर लगे होते हैं, ये ईयर पीस होता है जो साउंड्स को ईयर तक पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद ये आपकी है ईयर ट्यूब्स। वैसे इसमें स्मोकी और ब्लैक फ्लेवर, स्मोकी ब्लैक कलर भी आता है जिसमें ये पूरी चीज़ आपको ब्लैक मिलेगी। उसकी आपको कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगेगी, इधर स्मोकी ब्लैक उसमें नहीं है, तो इसकी कॉस्ट आपको थोड़ा 8,500 रुपये के आसपास पड़ गई है, वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट हिस्सा होता है ये आप देख सकते हो ट्यूबिंग। इसकी ट्यूबिंग अच्छी होती है, जो इसकी ट्यूबिंग आप देखोगे बहुत सॉफ्ट आपको फील होगी और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जो आपके दूसरे स्टेथोस्कोप होते हैं 1,000-2,000 की रेंज में, उसमें ये ट्यूबिंग जो होती है थोड़ी हार्ड होती है आपके पास। तो ये डिफरेंस आता है लिटमैन और इसमें, इसीलिए इसमें साउंड्स बहुत क्लियर सुनाई देती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका रीज़न आता है स्टेम रीज़न। तो ये स्टेम रीज़न यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये साउंड्स को यहाँ पे पुश करता है आपकी ट्यूबिंग की ओर, और यहाँ से आपके ईयर पीस से होते हुए आपके यहाँ पे कानों तक साउंड्स जो है वो पहुंचती है। उसके बाद ये रीज़न आता है इसका बेल रीज़न। आप देख सकते हो ये बेल रीज़न होता है, और ये रीज़न आता है इसका डायफ्राम रीज़न। तो डायफ्राम और बेल रीज़न, इसके दो ये चीज़ हिस्से होते हैं जिसका फ्रंट पार्ट जो होता है, और ये काफ़ी हैवी आपको दिखेगा, आपको फील होगा इसका में वेट फील होगा। एक आप ऐसे जो आपका लोकल स्टेथोस्कोप होता है उसको लेके देखना और इसको लेके देखना, आप में आपको डिफरेंस जो है फील हो जाएगा। ये है लिटमैन का स्टेथोस्कोप। इसके अलावा स्टेथोस्कोप के साथ साथ ही इसके जो अदर पार्ट्स आपको मिलते हैं, एक अलग से रबर बैंड मिलती है आपको स्टेथोस्कोप के जो बेल रीजन पे लगाने के लिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा ईयरबड्स आपको मिल जाती है, अगर आपकी कोई ईयरबड गिर जाती है या ख़राब हो जाती है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। उसके अलावा ये है कुछ यूज़र मैनुअल्स जिनको बस पढ़ता कोई नहीं है लेकिन फिर भी दी होती है, तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है पूरी करने के लिए। तो ये आपको इसमें मैनुअल मिल जाएगी, इसमें इन्फॉर्मेशन दी होती है इसके बारे में कि आपको किस तरह से इसको प्लेस करना है, किस तरह से आप इसकी जो रबर बैंड हो चढ़ा सकते हो, किस तरह से आप इसके ईयरबड्स जो है वो लगा सकते हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस पर कुछ दी होती है। तो ये है लिटमैन का क्लास थर्ड का स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जब आप इसको वेयर करोगे अपने इस पर, जैसे मैं आप सभी को दिखाता हूँ, जब ये आपके इस पे ऐसे आएगा और उसके बाद जो आपको फील आएगा वो एक अलग ही फील होगा। लिटमैन का स्टेथोस्कोप बेस्ट माना जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप भी इसको बाय करना चाहता है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम पर मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा,
तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।